पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और डॉक्टरों के बीच हुए विवाद की आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज तक पहुंची। यहां रेजिडेंस डॉक्टर एसोसिएशन के बैनर तले डॉक्टरों ने प्राचार्य कार्यालय के समक्ष पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। कॉलेज के प्राचार्य कार्यालय के समक्ष पहुंचे डॉक्टरों ने प्राचार्य गणेश प्रसाद से मुलाकात की और डॉक्टरों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सूर्यकांत ओझा ने कहा, बीमार मत करना, जीवन विधान रखो बेटा, झूठ बोल से आप दादी खत्म हो गई, हमारे दादा मतलब बीमार हो गए, ये सब नहीं बहुत होता है, आप बोलो नहीं लगाओ ऐसी चीजें, लेकिन पब्लिक हर लोग रात दिन कौन कब बीमार हो जाता है, किसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, वजह से कोई दूसरा दंडित हो जाए वो चीज नहीं बना जाए, वो एक अपराध की श्रेणी में आता है। बाकी काम करिए, हम लोग अपना प्रोसेस करें, डॉक्टर है जो मतलब शांति से प्रोसेस करें, होता है, हम लोग तो अहिंसावादी गांधी जी के बोला जो फॉलोवर है ना। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, तुमको मुझे कैसा हूँ, घर में सभी को स्वस्थ रखो, खुद तो देखिए डॉक्टर स्वस्थ रहना ही पड़ता है, आपका अपना टाइम कोई नहीं है, बच्चे का बर्थडे मना रहे इमरजेंसी में तो आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, ये हकीकत, क्यों हमने अपने दिल से कुछ ना चूज किया है, कुछ हो गया अभी भी काफ़ी सम्मानी मगर ऐसा नहीं, हम सभी लोग बोलो जी इसके एक किसी का कोई जब लास्ट में होता है, चाहे इतना बड़ा आदमी यही कहता डॉक्टर साहब प्लीज बचा लीजिए, कहता नहीं कहता, अल्टीमेटली डॉक्टर को बिल्कुल हो जाता, बाकी कोई पब्लिक का है, समय बदल गया है, आदमी का आप ओवरटेक कर लो तो मतलब गोली मार देता है, हमें बच के चला नहीं, पहले कहता था पब्लिक में भी इतना रिवेंज है, हमने अपने खुद ही वर्कलोड बहुत है, मैन पावर कम है, सब चीज़ें हैं, मेडिकल एजुकेशन मेडिकल कॉलेज तरह नहीं रहा, मैं सभी में मेडिकल कॉलेज में सर्टिफिकेट सेंटर होना चाहिए, टीचर ट्रेनिंग होना चाहिए, अब पूरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को और हॉस्पिटल को अपग्रेड होना चाहिए, लेकिन जो व्यवस्था है उसको जनता निकाल करना है, फिर चीज़ हमारी नई एक्सटेंशन होगी, तो मेडिकल कॉलेज तो एजुकेशन मतलब एक एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हम शिक्षक हैं, चिकित्सक मतलब भी शिक्षक भी है, तो ये हमारे यहाँ टर्शरी केयर सेंटर है, आदमी सीधे यहाँ चला आता है, वर्क बढ़ जाए तो कैसे देख पाऊँगा, मैक्सिमम 500 की ओपीडी होती है, 400 की ओपीडी होती है, इसके लिए मतलब सर्जरी में इतना होता है, ट्रॉमा के यहाँ चला रहा तो पेरी पेरी मुझे अपग्रेड करना चाहिए, ताकि यहाँ पर वो मरीज आए, वर्कलोड कम हो सके, वो मरीज आए जिसको हम रख सकें, यहाँ तो क्या होता है फोन करते हैं हम उसकी सर्जरी नहीं हुई, अभी ऑपरेशन नहीं हुआ, 3 दिन से पड़ा, हमें तो पहले उसकी केस शीट डॉक्टरों को दिखाना है, टीच करना है, क्या देन उसका जो ट्रीटमेंट करना है। मेरा नाम डॉक्टर सूर्यकांत ओझा है, मैं यहाँ RDA प्रेसिडेंट हूँ, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। वेस्ट बंगाल में NRMC मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल में ये जो घटना हुई अभी पिछले दिनों, और वहाँ पे डॉक्टर हमारे जो डॉक्टर बंधु हैं उनको मारा पीटा गया, काफ़ी वहाँ घोर वायलेंस हुआ है, उसको लेकर के पूरे भारतवर्ष में एक सांकेतिक प्रोटेस्ट चल रहा है, उसी के तहत आज हम यहाँ पूरे रेजिडेंट इकट्ठा हुए हैं, और यहाँ भी हम सांकेतिक प्रोटेस्ट किए हैं, तो 1 बजे से हम लोग OPD बंद किए हुए हैं, और आज सिर्फ OPD बंद है, वहाँ पे अगर सही से कार्रवाई नहीं होगी तो जैसे हमारा एसोसिएशन जो हमारा UP स्टेट का भी ऑल इंडिया एसोसिएशन है, जो वो जैसे जो निर्णय लेगा उसी हिसाब से फिर हम लोग काम करेंगे, आज हम लोगों ने उसके लिए सांकेतिक प्रोटेस्ट किया हुआ है, वहाँ पर जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लगा हुआ है इसका सही से इम्प्लीमेंटेशन हो, हम लोगों को प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाए, कुछ मांगे हैं हमारी, और जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो, वो अभी बिल्कुल नहीं हो रहा है, और बाकी सारी हमारे मांगे हैं उसको हम लोग अपने माध्यम से अपने अधिकारियों को दिए हुए हैं, और वो जैसे इम्प्लीमेंट होता है कुछ उस पर कार्रवाई होगी, फिर हम लोग उसी हिसाब से अपना फर्दर स्टेप करेंगे।